सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल। लेकिन कैसे आप लोग, मैं बढ़िया हूँ, अपने से ही बढ़िया हो गए। तो बहुत दिन हो गया है ब्लॉग नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि आजकल थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ और भुवनेश्वर गया था तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत शूट कर पाया। नंदनकानन गया था ब्लॉग बनाने के लिए तो उसका वेलकम पार्ट नहीं बनाया था, तो इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। और जब से भुवनेश्वर से आया हूँ तो तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है, तो मेरा गला भी बैठ चुका है। फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ नंदनकानन और ये रही मेरे सामने नंदनकानन जू। बहुत ही ज़्यादा लोग आए हैं और अभी मैं पहले जाऊंगा, टिकट करूंगा, फिर दिखाऊंगा मैं आपको। तो पहले टिकट बना लेते हैं। तो फिलहाल टिकट का के अंदर आ चुके हैं, 50 रुपये एक जन का लेता है। तो जाते हैं पहले क्या देखने को मिलेगा। मैं तो पहली बार आया हूं तो देखें क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे एक म्यूजियम है जू का, तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे भाई टाइगर के भी। मैं रियल लाइफ में नहीं दिखाऊँ टाइगर और लायन, तो पहले जाएंगे टाइगर लायन देखेंगे। हाथियाँ तो बहुत दिखी है हमारे गांव पे, बस टाइगर देखनी है, लायन देखनी है, जाते हैं। तो मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि कहाँ पर जाऊँ, यहाँ पर एक रास्ता है, यहाँ पर एक रास्ता है, तो कन्फ्यूज हो रहा हूँ कहाँ पर जाऊँ। तो मैंने पूछा कि टाइगर और लायन कहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस तरफ ही जाते हैं। तो पहले भाई टाइगर और लायन देखना है, फिर जाके जो दिखना है देखना। भाई लोग यहाँ पे देख सकते हैं भालू है, ये रहने का उसका जगह है और उसका गुफा है, वो एक ही भालू है शायद। भालू ही मैं पहली बार देख रहा हूँ, मैं जंगल के पास में रहता हूँ लेकिन भालू पहली बार देख रहा हूँ। तो शायद यहाँ पे एक ही भालू है और वो रहा उसका गुफा जहाँ पे वो रहता है। एक ही भालू है, वो छोटा भालू है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, वो छोटा ही भालू है। तो आगे जाते हैं। तो भालू तो देख लिए, जाते हैं सीधा टाइगर और लायन देखते हैं, जो कि मैं उसको ही देखने आया हूँ टाइगर और लायन। तो देखते हैं कहाँ पर है, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है। भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बड़ा डर लग रहा है। यहाँ पे मुन्नी लिखा हुआ है लेकिन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये देख सकते हो। अरे यहाँ पे ही भालू है भाई, दो भालू हैं देख सकते हो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा एक भालू सो रहा है अंदर, और एक ये रहा, ये एक रहा भालू, ये हैं भालू इसको बोलते हैं बड़े बड़े। वहाँ पे एक रखा हुआ है और यहाँ पे दो, तो यहाँ पे हैं भालू को अलग अलग रखे हैं मैंने, दो को एक जगह और एक को एक जगह, मतलब अलग ब्रीड किया है शायद। एक का जो पहले देखा था उसका मुंह थोड़ा वाइट था, ये वाला तो पूरा ब्लैक ही है। उधर से चिड़ियों की आवाज़ आ रहा है, शायद उस तरफ चिड़ियाँ हैं। तो मुझे तो भाई पहला देखना है टाइगर और लायन, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड मैं हूँ देखने के लिए। जंगल के राजा को देखेंगे भाई, शेर वो बोलते हैं ना, झुंड में तो सो रहा है लेकिन शेर अकेला ही आता है। देखते हैं भाई शेर अकेला है कि झुंड में है, झुंड में तो होगा शायद, उसका दोस्त लोग भी होंगे शायद उसके साथ। तो भाई यहाँ पे चिड़िया लोग हैं जैसे कि मैं बोल रहा था, आवाज़ आ रहा है। और यहाँ पे मछली वगैरह है, मछली तो हमको देखना नहीं है। ये रहा, इसका नाम है किनेरियोस, वो देख रहे हैं ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैक दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है। इसका नाम है किनेरियोस। तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा है, मैं गलती से चिड़िया के लाइन में चला गया था, तो एक भाई को पूछा कि भाई यहाँ टाइगर और कहाँ पे मिलेंगे, तो भाई यहाँ पे नहीं है, वहाँ पर खाली बाढ़ ही बाढ़ हैं, काफ़ी तरह के चिड़िया हैं, तो उस लाइन पे बोला। तो देखते हैं भाई क्या लाइन पे बोले, शायद उस लाइन पे जो हमने दिखाया था, यहाँ पर बाढ़ चिड़िया की आवाज़ आ रहे हैं जिस पर बोला था, शायद उसी पर है। तो जाते हैं उस तरफ, तो के साथ आए हुए थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मज़ा लगेगा, बोरिंग नहीं लगेगा। अकेला घूमे तो भाई बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगेगा, जो फर्स्ट टाइम आया तो उसके लिए कोई बोरिंग नहीं लगेगा। तो अभी मैं आ चुका हूँ ऑस्ट्रिच, ये रहा ऑस्ट्रिच, इतना बड़ा है भाई देखो ऑस्ट्रिच, वो भाई ये तो भाई हमको उठा के ले जाएगा, इतना बड़ा है। इसको छोड़ते हैं भाई, अरे वाह वाह वाह, हिरन मिल गया, हिरन है तो भाई यहाँ पे टाइगर होगा। हिरन है ना भाई, इतना बड़ा है, टीवी में तो छोटा दिखता है भाई हमको।
भाई तो गाय जैसा है बे। क्या ही है भाई, ये नीगाई है, इसको मैं हिरन बोल रहा था। मेरे भी यार नीगाई है, ये नील गाय इसका नाम है, नील गाय, नीगाई बोल रहा हूँ, नील गाय है। ये रहा हिरन, हिरन के पास पहुँच चुका हूँ मैं, दिखाता हूँ आपको हिरन, इसको मैं नील गाय को हिरन बोल रहा था। फाइनली हिरन, हिरन के पास पहुँच गया हूँ। यहाँ पे बहुत ही सारा हिरन है, जैसे टीवी में देखते हैं ना छोटा छोटा, वैसे ही है। अब एक झुंड है भाई हिरन का, तो ये मैं जा रहा था, एक जन ने ना मेरा रास्ता रोका है, दिखाता हूँ किसने रास्ता रोका है भाई। इसने ना मेरे रास्ता रोका है, ओए बे भाई मोबाइल ले जाएगा सर, खाद्य दिन से किसी हाथ धोना थी तो। और ये रहा हमारा लोकल बंदर, तो गवर्नमेंट बंदर बोल सकते हैं उसको, लोकल। मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, साफ साफ वगैरह रहते हैं यहाँ, तो डायनासोर का फोटो लगा है, वह डायनासोर होगा, डायनासोर तो नहीं होगा, यहाँ पे साफ दिखने को मिल जाएगा। तो जाते हैं देखते हैं साफ क्या क्या है। और ये रहा किंग कोबरा, यहाँ से दिखाई नहीं देगा आपको, ये रहा देखो सो रहा है किंग कोबरा। और ये रहा अजगर, ये देखो। और यहाँ पे भी एक किंग कोबरा है, देख सकते हैं आप, ये रहा एक किंग कोबरा, ये बड़ा वाला है। और ये रहा इगुआना, वो कितना बड़ा एनाकोंडा है, एनाकोंडा जिस पे टीवी में देखते हैं एनाकोंडा, ये रहा बहुत ही बड़ा एनाकोंडा है। और ये रहे माँ का मगरमच्छ, जो टिकटिक में वायरल हो रहा है ना, माँ का मगरमच्छ, वो ये रहे। अब तक तो आधा एरिया ही घूम चुका हूँ, बस यहाँ पे मछलियाँ वगैरह है, यहाँ पे हिप्पो है, वो देख हिप्पो, हिप्पो जो जलहसी बोलते हैं वो तैर रहा है देखो। अबे यार अभी, अबे यार अभी पे तैर रहा था यहाँ पे हिप्पो, डूब गया अचानक से, कहाँ गया पता नहीं, वो कहाँ गया, हेलो भाई कहाँ गया, लिटरली भाई कहाँ डूब गया, अबे यार कहाँ पे चला गया, वो रहा देखो जा रहा है, नहीं दिखाया शायद आपको, जाने दो उसे भाई, जाने दो उसे भाई। हिप्पो तो बहुत दूर चला गया, मतलब वहाँ तक चला गया, तो वहाँ तक चला गया, यहाँ से नहीं दिखा, बहुत दूर है, शायद एक दो हिप्पो हैं, ज़्यादा नहीं है, मेरे को तो दो ही दिखाई दे रहा है, और ज़्यादा नहीं पनी है। देखते हैं यहाँ पे ही पानी है ना, शायद यहाँ पे हो सकते हैं हिप्पो, हाँ हाँ यहाँ पे है शायद, नहीं नहीं यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ से सीधा जाएंगे हम टाइगर के पास, टाइगर और लायन उस तरफ है, मैंने इस तरफ आ गया तो सोचा यहाँ घूम के फिर वहाँ जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे बोटिंग वोटिंग वगैरह होते हैं, तो हम तो बोटिंग नहीं करने वाले, तो यहाँ शायद एंड हो गया है, तो यहाँ से सीधा जाते हैं टाइगर, टाइगर दिखाएंगे, एलिफेंट तो हम देख चुके हैं, फिर भी आपको दिखा देंगे, तो फिर वहाँ से चले जाएंगे। और यहाँ पे आप लोग बोटिंग कर सकते हैं, ये देखो काफ़ी सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं, पेडल वाले बोट हैं, अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं दूर दूर तक, वहाँ दूर दूर तक जा सकते हैं, इतना बड़ा एरिया, बहुत ही बड़ा एरिया है ना। एक टॉय ट्रेन है, मतलब टॉय ट्रेन में बैठ कर आप घूम सकते हैं पूरा, तो ये रहा पीछे टॉय ट्रेन, यहाँ पे टिकट होता है, तो टॉय ट्रेन में घूमना ज़्यादा मज़ा नहीं है भाई, चल के ही घूम घूम के, मतलब पास जाके नज़दीक जा जा के दिखने ही मज़ा है, टॉय ट्रेन पे ज़्यादा मज़ा नहीं है भाई। लोग अभी जाते हैं सीधा टाइगर जहाँ पे है, टाइगर और लायन पे जहाँ पे है, सीधा जाते, बहुत घूम ले आए हैं उधर उधर, सब कुछ देख लिया, बस वही देखना है, इसके लिए मैं आया था, इसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे भी कुछ है भाई, ये क्या है भाई, पास जा के देखते हैं, यहाँ पे कुछ है मुझे मालूम नहीं ये क्या है, वो अच्छा ये सांभर है, सांभर बोलते हैं ना, ये सांभर है, पास जाके देखते हैं। और मेरा सांस घुट रहा है,
चल चल के। ये रहा सांभर, इतना बड़ा बड़ा सांभर, इतने बड़े बड़े को ना शेर खा जाता है। ये तो छोटा है, जो भैंस है होते हैं खा जाते हैं उनको भी मार के। देखो पानी पीते हुए, यहाँ पे भी है, ये बैठे हैं। मैं लोग फाइनली पहुँच चुका हूँ शेर के पास, तो जितना एक्साइट किया था उतना मज़ा नहीं आया। मौसाला सो रहा है शेर, देखो देखो वो कैसे सो रहा है, देखो ठीक है। इसको मैं देखने आया हूँ और वो सो रहा है। तो फीमेल है भाई, शेर नहीं है ये, शेर नहीं है यहाँ पे। ये देखो एक दूर से सोया है, बैठा भी सोया था। मैं क्या भाई, मेरा कैमरा क्वालिटी भाई कितना गंदा है जी। और एक यहाँ है शेरनी। तो भाई लोग शेर देखने में तो उतना मज़ा नहीं आया जितना एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि ये लोग सो रहे थे तो चिल्लाए तो उठे नहीं, तो उतना मज़ा नहीं है। यहाँ पे टाइगर है, वो खड़े हैं, तो देखते हैं। ये अच्छे से दिख रहा है, वो देखो चल रहा है, हो रहा भाई कितना बड़ा है। ये तो गाइस पास आ रहे हैं, पास आ रहे, पास आ रहे। देखो चौकीदारी कर रहे हैं। तरफ तो तीन बाघ थे, अभी यहाँ पे भी कुछ बाघ है। कितना है, मेरे को तो एक दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पे भी बाघ है। शेर थोड़ा कम है, बाघ ज़्यादा रखे हैं। यहाँ पे एक बाघ है, उसको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा लोग हैं ना इसलिए। ये तो गाय आ रहा है, पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। देखो ये देखो पास आ रहे हैं। ओ भाई साहब, ये देख देख देख, ओ भाई क्या मजा भाई। ये देखो पास है, पैसा वसूल हो गया। अगर आप खाना फाना लाओगे ना, वो सब छीन लेंगे। कैसे बैठे हैं देखो, ये रहा एक, यहाँ पे काफ़ी बैठे थे, और ये रहा एक। आप हाथ में खाना पकड़ के लाओगे ना, ये सब के सब छीन लेंगे, इसलिए कोई पॉलीथीन वगैरह नहीं पकड़ना। दिखने के बाद अभी आया हूँ मैं हाथी देखने। यहाँ पे हाथी है, बंधा हुआ है हाथी सब के सब, तो देखते हैं। हाथी तो हम देख चुके हैं जंगल में, जंगली वाली हाथी देखे हैं। ये तो भाई बांध के रखे हैं, इसमें मज़ा नहीं आएगा ज़्यादा में देखने में। उसको उनको दौड़ाने में जो मज़ा है, उसको देखने में उतना मज़ा नहीं है। फिर भी आए हैं तो थोड़ा देख लेते हैं। ये रहे हाथी, तीन तीन हाथी है भाई। शायद सब कुछ घूम चुका हूँ, हाथी भी देख लिए, टाइगर भी देख लिए, शेर भी देख लिए, और अब टाइम ही बहुत ज़्यादा हो चुका है, मतलब 1:30 हो चुका है। और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं है, 30% ही चार्ज है, उसी पे मैं शूट कर रहा हूँ। इतना अच्छा फ़ोन नहीं, इसलिए वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो आ रहा है, थोड़ा मतलब बहुत ही लो आ रहा है। तो कुछ नहीं भाई, कुछ दिन पे चेंज कर लेंगे फ़ोन, आज नहीं तो कल चेंज करेंगे। बस आप सब्सक्राइब और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। अभी देखते हैं सामने क्या है, शायद 2-3 घंटे घूम चुके हैं यहाँ पे, 3 नहीं होंगे 2 घंटे तो हो जाएंगे घूम चुके हैं। पता नहीं कब आएंगे फिर, अभी काम में भुवनेश्वर केंद्र जाऊँगा तो भाई काम में बिजी हो जाऊँगा फिर से। जब आए हैं तो पूरी तरह से घूम लेते हैं मन भर के। यहाँ पर बाघ ही ज़्यादा है, शेर 3 ही है, मतलब तो इधर भी देखो बाघ, वहाँ 3 है, 6 देखे थे, यहाँ पे 2 है। ये देखो ये एक सो रहा है यहाँ पे, मतलब हर प्रजाति के बाघ हैं। एक टाइगर है भाई, कितने जगह टाइगर है पता नहीं, यहाँ पे एक टाइगर है देखो। उस तरफ जिराफ है, और जिराफ देखते हैं, ये दिखने को बस रह गया था, बस यही देखा तो कंप्लीट हो जाएगा सबके सब। ये रहा जिराफ, देखो कितना लंबा है। ये रहा जिराफ भाई, देखो कितना
इतना ऊंचा है। पापा, इससे भी बड़ा है, ये तो छोटा है बच्चा। अच्छा, इससे ही बड़ा होते हैं क्या? हमको तो यही बड़ा लग रहा है। देखते हैं भाई उस तरफ और है कि नहीं, शायद एक ही है। तो भाई लोग, जीरा तो देख लिया, अब जाएंगे। एक बंदे को पूछा, मतलब एक भाई को पूछा कि वो बोले कि इस तरफ सफारी है, तो उन लोगों ने बॉस को आप घुमाएंगे इसे, तो जाते हैं फिर बॉस पे घूमेंगे, दिखाएंगे सब कुछ। सब कुछ मतलब जिस तरह के बाघ जंगल में घूम रहे होंगे ना, उस तरह का दिखने का मिल गया यहाँ पे। तो जाते हैं, बॉस टिकट 60 रुपये के है, तो सफ़र का मजा लेते हैं। ये रहा व्हाइट बाघ टाइगर। तो फाइनली बॉस का सफारी ले लिए। भाई मैं एक बात बता रहा हूँ भाई, ये जो सफारी है ना, बॉस पे 60 रुपये का टिकट लेके घुमाते हैं, बोलते हैं कि जंगल में पास आके जानवर को देखेंगे, टाइगर और डियर और लायन। भाई ये बेकार का चीज़ है भाई, बहुत दूर दूर में खड़े होते हैं वो, तो ये तो मेरे लिए वर्थलेस है, बिल्कुल मत जाना। मैं 11:30 को आया था यहाँ पर, तो अभी इतना ज़्यादा देर हो गया है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है, तो अभी जाते हैं भाई। और मेरा मोबाइल भी चार्ज नहीं है, 15% हो गया है बस, और नहीं चलेगा, कैमरा नहीं ओपन होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो भी न्यू लोग है सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।